कुछ गेम्स इजी होते हैं, कुछ होते हैं हार्ड, लेकिन एक्शन एडवेंचर की इस गेम दुनिया में अगर आपको एक गोरसम चैलेंज चाहिए तो आपको खेलना होगा सोल्स लाइक गेम्स। सोल्स लाइक एक सब जॉनरा है एक्शन एडवेंचर गेम का, जहां हार्ड सेटिंग में एक डार्क फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर आप गेम को एक्सपीरियंस करते हो। सीधा सीधा कहूं तो सोल्स लाइक गेम्स खेलते हुए आप काफी बार मरोगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे न्यू वेज गेम्स और राउंडेड स्टूडियोज द्वारा निर्मित लाइज ऑफ पी गेम के बारे में। आदत में ये गेम एक थर्ड पर्सन रोल प्लेइंग टाइटल है जो डार्क थीम में बेस्ड एक्शन एडवेंचर जॉनरा को एक सोल्स लाइक मैकेनिक्स के सहारे डिपिक्ट करता है। लाइज ऑफ पी गेम हालांकि सन 1883 में कार्लो कलोनी के द्वारा लिखी गई एक इटालियन नॉवेल से प्रेरित है जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ पिनोचियो। लाइज ऑफ पी का पी ही है ये पिनोचियो। साउथ कोरिया बेस्ड गेम डेवलपर एंड पब्लिशर न्यू वेज गेम्स 1997 से गेमिंग इंडस्ट्री में है और आज तक लाइज ऑफ पी को मिलाकर 33 गेम टाइटल को प्रस्तुत कर चुका है। वैसे ये डेवलपर सिर्फ पीसी या कंसोल के ऊपर गेम नहीं बनाता बल्कि मोबाइल गेमिंग के ऊपर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। गेम डायरेक्टर चॉय जी वोन का ये कहना है कि लाइज ऑफ पी जैसे गेम को बनाने के लिए उन्हें 3 साल से भी ज्यादा वक्त लग गया और ओरिजिनल स्टोरी यानी कि द एडवेंचर ऑफ पिनोचियो की डार्क टोन और डाइवर्स बैकग्राउंड थीम को इस पर्टिकुलर गेम में बढ़िया तरीके से दर्शाई गई है। सन 2021 के एक इवेंट में पहली बार लाइज ऑफ पी गेम का अनाउंसमेंट हुआ और सन 2022 की गेम्सकॉम में लाइज ऑफ पी गेम का ट्रेलर को रिलीज किया गया। फिर अगले ही साल 2023 की गेम डेवलपिंग कॉन्फ्रेंस यानी कि GDC इवेंट में इस गेम का एक 11 मिनट का एक्सक्लूसिव 4K फुटेज प्रीमियर करवाया गया डेवलपर्स के द्वारा और फाइनली 19 सितंबर 2023 को लाइज ऑफ पी को मुक्ति मिली। इस गेम का प्लॉट 19th सेंचुरी की फिक्शनल यूरोपियन शहर क्राथ में बेस्ड है। एक खतरनाक प्लेग बीमारी के चलते भरा पूरा शहर क्राथ खंडर में तब्दील हो चुका है। शहर की बिल्डिंग्स, होटल्स, एक्सटीरियर्स और बिखरा पड़ा हुआ लाशों के ढेर को देखकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आगे आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। एक शानदार दिखने वाला शहर आज एक दहशत से भरा हुआ डार्क जोन में तब्दील हो चुका है और इसी बीच एंट्री होती है गेम की प्रोटागोनिस्ट पी यानी कि पपेट मेचानोइड पिनोचियो की। सिचुएशन ऐसा है कि आप कौन हो और आपका वजूद क्या है ये आपको पता नहीं। आप बस इस खतरनाक शहर की जर्नी में आगे बढ़ते रहोगे और वेरियस आइटम्स, रिसोर्सेस और NPC को एक्सपीरियंस करते हुए गेम की वर्ल्ड को समझोगे। इन गेम जितने भी सारे नोट्स, लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, पोस्टर्स आपको मिलता चलेगा उनके माध्यम से आपके सामने स्टोरी एक्सपोज होता चलेगा। वैसे आपको हर लेटर, हर नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि आप स्टोरी को बहुत अच्छे से जानते चलोगे। सबसे मजेदार बात है कि इस खंडर जैसे शहर की खतरनाक मोड़ में से गुजर के आप जब भी कोई NPC या तो फिर मर्चेंट के साथ मिलोगे तो आपको एक बढ़िया फीलिंग आएगा, एटलीस्ट कोई तो जिंदा बचा है इस शहर पे। वैसे दोस्तों टोटल NPC की अगर बात करें तो 17 नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे और साथ ही साथ 7 मर्चेंट्स आपको मिलेंगे। ऑफ कोर्स मर्चेंट्स का मतलब है जिनके साथ आप आइटम्स या तो फिर गुड्स को एक्सचेंज करोगे। गेम की शुरुआत में आपको कोई डिफिकल्टी सेटिंग वैसे तो नहीं दिखेगी, मेन मेनू कुछ ऐसा होगा। चलिए इससे पहले कि हम लोग गेम प्ले मैकेनिक्स की तरफ बढ़े सेटिंग्स वगैरह थोड़ा भाप लेते हैं। यस, यू कैन यूज डिफरेंट कंट्रोल पैटर्न इन दिस पर्टिकुलर गेम। आप चाहो तो कंट्रोलर का इस्तेमाल कर लो, कीबोर्ड का इस्तेमाल कर लो। ग्राफिक सेटिंग की अगर बात करें तो आप देख सकते हो लो, मीडियम, हाई या तो फिर बेस्ट सेटिंग आपके लिए दी गई है। ऊपर से AMD फिडेलिटी FX और DLSS का सपोर्ट इस गेम में आपको ऑप्टिमम तरीके से मिलेगा, तो ग्राफिकली ये गेम तो बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। हम लोग ग्राफिक सेक्शन में बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि आप क्रॉस शहर में अपनी पैर जमा लो, आपको दिए गए 3 कॉम्बैट स्टाइल में से किसी एक को चुनकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये 3 स्टाइल है बैलेंस, स्ट्रेंथ एंड डेक्सटेरिटी। नीचे स्टैट्स भी दी हुई है ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी पर्टिकुलर कॉम्बैट स्टाइल आपके लिए सही रहेगा। वैसे आप अपने हिसाब से इस चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे गेम में आगे बढ़ते हुए ये तीनों चीज इक्वली इफेक्टिव रहेगा, तो आप कुछ भी पर्टिकुलर कॉम्बैट स्टाइल को चूज करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास पी ऑर्गन रहेगा। पी ऑर्गन एक स्किल ट्री है जो पिनोचियो यानी कि आपकी कैरेक्टर की पैसिव और एक्टिव एबिलिटीज को फीचर करता है। पी ऑर्गन के द्वारा आप अपनी कॉम्बैट स्टाइल को एनहांस कर सकते हो, अपनी प्ले स्टाइल को कस्टमाइज कर सकते हो बाय अनलॉकिंग न्यू एबिलिटीज एज यू प्रोग्रेस इन द गेम। अब ये जो एबिलिटीज की मैंने बात की, ये एबिलिटीज को अपग्रेड करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक स्पेशल स्टोन की। ये स्टोन का नाम है क्वार्ट्ज और ये काफी रेयर
रेयर है, पर इन गेम वेरियस लोकेशन हो या सीक्रेट एरियाज, आपको क्वार्ट्स जरूर हासिल होती चलेगी। इनफैक्ट बॉस फाइटिंग के बाद भी आपको क्वार्ट्स मिल सकता है। वैसे पी ऑर्गन की 5 अलग अलग फेजेस है और अलग अलग फेजेस में आपको वेरियस एबिलिटीज और एडवांटेजेस मिलता चलेगा। अब गेम का नाम है लाइज ऑफ पी, तो ये लाई सिस्टम आखिर है क्या? सिंपल सी बात है, इन गेम आपको 10+ सिनारियोस मिलेंगे जहां आपकी कैरेक्टर यानी कि पिनोचियो को कुछ खास डिसीजन लेने पड़ेंगे। इट कैन बी ट्रूथ और इट कैन बी लाई, और इसी डिसीजंस के ऊपर बेस करके आगे की गेम रिवॉल्व करेगा। इवन गेम एंडिंग भी इसी के द्वारा इन्फ्लुएंस रहेगा काफी हद तक। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं कहूं, आपकी झूठ या तो फिर आपकी सच, जो भी आप कह रहे हो, इसके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करेगा कि लाइज ऑफ पी गेम में आप कैसे आगे बढ़ोगे, क्या क्या आइटम्स आपको मिलेगा या तो फिर कौन कौन से प्लेसेस में आप जाओगे। दोस्तों लाइज ऑफ पी गेम 3 अलग अलग सेक्शन में बेस्ड है और सोल्स लाइक गेम होने पर मल्टीपल चेक पॉइंट्स आपको मिलेगा। आप खुद से गेम की प्रोग्रेस को सेव नहीं कर सकते, दैट कैन बी अ ड्रॉबैक, बट इन सोल्स लाइक गेम्स ये तो होता ही है, ताकि गेम आपके लिए और भी चैलेंजिंग लगे। वैसे इन ऑर्डर टू गेट अ सेव पॉइंट यू मस्ट रीच टू अ स्टार गेजर। यस, स्टार गेजर आर चेक पॉइंट्स इन लाइज ऑफ पी। ये ब्लू कलर की होगी और आपको इन गेम बहुत सारे स्टार गेजर मिलता चलेगा। वैसे ये फिक्स नहीं होगा, इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसको एज अ चेक पॉइंट यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी स्टार गेजर के मदद से आप कुछ और भी एक्टिविटीज इन गेम कर सकते हो, जैसे कि पल्स सेल्स को रिफिल कर सकते हो, दूसरे एक्टिवेटेड स्टार गेजर में अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकते हो। सो दीज आर द क्वाइट कूल स्टफ यू कैन हैव विद स्टार गेजर। इससे पहले हम लोग कॉम्बैट सेक्शन की ओर बढ़े, मैं आपके लिए कुछ इन गेम मैकेनिज्म का जिक्र करना चाहूंगा, जैसे कि गेस्चर्स। आप अलग अलग सिनेरियोस पे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए गेस्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइज ऑफ पी गेम में टोटल आपको 17 गेस्चर्स मिलेंगे। हालांकि गेस्चर्स को एज अ कमांड इस्तेमाल करके आप इन गेम कुछ सीक्रेट्स को भी रिवील कर सकते हो। अब बात करेंगे स्टेटस एलिमेंट्स के बारे में। ये काइंड ऑफ कुछ इन गेम एलिमेंटल इफेक्ट होगा जो आपकी और आपकी दुश्मनों में एक साथ एप्लीकेबल होगा। ब्रेक, करप्शन, डीके, डिसरप्शन जैसे टोटल 7 एलिमेंटल इफेक्ट आपको मिल जाएगा। सिंपली कहूं तो आपके लिए ये हानिकारक होगा इन नेचर। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, डिसरप्शन विल कॉज पिनोचियो टू डाई व्हेन द डिसरप्शन गॉज इज फुल। लो कर लो बात। सिंपली इसके ऑपोजिट में स्टेटस इफेक्ट होगा जो कि आपकी काम की चीज है। ये स्टेटस इफेक्ट आइटम्स या तो फिर एमुलेट्स के फॉर्म में आएंगे। इन गेम आपको 30 एमुलेट्स और 20 आइटम्स मिलेंगे एज अ स्टेटस इफेक्ट। अब बात करेंगे डार्क थीम बेस्ड इस सोल्स लाइक रोल प्लेइंग गेम की कॉम्बैट के बारे में। ऑफ कोर्स इन गेम कॉम्बैट बहुत ही हार्ड है, लेकिन अगर आप सोल्स लाइक गेम पहले खेल चुके हो देन कॉम्बैट विल बी क्वाइट फन फॉर यू। पर बॉस फाइट्स की अगर बात करें तो भाई नाक में दम कर देता है एट टाइम्स। पर एटलीस्ट बॉस फाइट के पहले आपको कोई ना कोई एक स्टार गेजर मिल जाएगा, तो आप अगर मर भी जाओगे तो वापस उसी जगह से आप चीजों को रिपीट कर सकते हो। दोस्तों कॉम्बैट के दौरान बेसिक कंट्रोल की अगर बात करें, जैसे कि स्लैश हो गया, पैरी हो गया, डॉज, डिफेंड, ये सब कुछ आप कर सकते हो इन गेम। मतलब हैक एंड स्लैश गेम्स के लिए ये तो भाई जरूरी चीज है ना। और भाई साहब टाइम में अगर आप ब्लॉक कर लेते हो अपने ओपोनेंट के कोई भी शॉट को, तो आपकी परेशानी नहीं होगी, आपका हेल्थ भी बचा हुआ रहेगा। हालांकि बॉसेस की अटैक को ब्लॉक करने पर भी आपकी हेल्थ थोड़ी सी भी डिक्रीज कर सकती है। मोर ओवर कंट्रोल आर क्वाइट रेस्पॉन्सिव एंड फ्लूइड ऑल टुगेदर। वैसे इन कॉम्बैट को करने के लिए आपको चाहिए होगा वेपन्स। वैसे वेपन्स की अगर बात करें तो वेपन्स आपको भर भर के दी गई है इस पर्टिकुलर गेम में। जैसे कि इन गेम आपको 50+ अलग अलग वेपन्स मिलेगा और इन वेपन्स के 2 पार्ट होंगे, जैसे कि ब्लेड एंड हैंडल। बेसिकली गेम में आपको 28 ब्लेड्स और 28 हैंडल्स ऑफर किया जाता है, जिसको लेके आप चॉप एंड चेंजेस कर सकते हो, अपने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इनके अलावा कुछ स्पेशल वेपन्स भी आपको गेम में दी जाएगी। इन वेपन्स के अलावा थ्रोएबल्स भी आपको मिलेंगे जो वक्त आने पर असरदार हो सकता है आपके लिए। वैसे आपके पास एक लीजन आर्म भी रहेगा जो कि आपकी बाया हाथ में होगा। इट्स काइंड ऑफ अ प्रोस्थेटिक आर्म जो आप बाद में कस्टमाइज कर सकते हो विद डिफरेंट अपग्रेड्स। टोटल 8 वेरिएंट्स मिलेंगे आपको इस लीजन आर्म के लिए। मैं मानता हूं कि कॉम्बैट के दौरान इस लीजन आर्म से आप एनिमी को बहुत ही हार्डकोर पंच कर सकते हो, बट सम टाइम इट फील्स वेरी स्लो। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप बटन दबाते रह जाओ लेकिन लीजन आर्म काम ना करे, क्योंकि उसका भी एक अलग मीटर होता है। वो अगर खत्म हो गया, डिप्लीट हो गया, तो आपका लीजन आर्म काम नहीं करेगा। दैट्स काइंड ऑफ अ ड्रॉबैक फॉर मी।
फिर हम लोग बात करेंगे फेबल आर्ट की, जो पर्टिकुलरली आपकी वेपन्स की स्किल होगी। अगर बात करूं कुल मिलाकर 30 अटैक, 5 डिफेंस और 10 यूटिलिटी फेबल आर्ट्स आपको इन गेम एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। वैसे दोस्तों वेपन्स की अपनी वेट होगा और इसी पर्टिकुलर वेपन को कैरी करते हुए आपकी पार्कोर में भी इसका इफेक्ट आएगा। वैसे पार्कोर की अगर बात करें तो ठीक ठाक सा है दोस्तों। बॉस फाइट्स के दौरान आपको पार्कोर की अहमियत पता चलेगी जब आपको फास्ट मूव करना पड़ेगा। वैसे आप रनिंग, वॉकिंग, क्राउचिंग वगैरह कर सकते हो। वैसे आपकी स्टैमिना मीटर होगी और जैसा कि आपका मूवमेंट होगा उसी हिसाब से आपकी स्टैमिना मीटर डिप्लीट होती चलेगी, पर अगले ही चंद सेकंड में आपका स्टैमिना मीटर फिर से फिल हो जाएगा। आपकी एस्थेटिक्स और विजुअल एनहेंसमेंट के लिए गेम में आपको 17 कॉस्ट्यूम्स और 11 एक्सेसरीज प्रोवाइड की गई है, जो कि आपकी गेम प्ले में कुछ खास इफेक्ट नहीं डालेगा, पर आपकी विजुअल एस्थेटिक्स बड़ा ही तगड़ा हो सकता है इन सारे चीजों को हासिल करने के बाद। अब दोस्तों क्रास शहर की इस खंडर जैसी माहौल में आपका काम होगा एनिमीज को परास्त करते हुए गेम में आगे बढ़ना, और मेनली 4 टाइप के एनिमी वेरियंट आपको दिखेंगे, ग्रीटी क्रिएचर्स, ह्यूमंस, मिस्टिकल बींग्स एंड मिशनॉइड्स। पर यार ये एनिमी से कॉम्बैट करते हुए आपको गेम कभी कभार रिपीटेटिव लग सकता है, लेकिन जब कोई बॉस या तो फिर मिनी बॉस से आप भिड़ोगे तो आपको गेम फिर से चैलेंजिंग लगने लगेगा। आई लव द एनिमी AI दो, पर कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे एनिमीज है जो आपको हर जगह दिख जाएंगे वे काफी स्लो है इन नेचर। कुछ एनिमीज की अपनी अलग अलग मूव सेट होगी जो आपको थोड़ा सा नया चैलेंजेस दे सकता है, पर ऑल इन ऑल दे आर क्वाइट रिपीटेटिव। अब देखो गेम में कुछ बॉसेस के साथ लड़ने के लिए आपको अपने एलाइज को बुलाना पड़ेगा। ये एलाइज को यहाँ पे स्पेक्ट्रिस कहते हैं। ये लाइक आपके लिए लड़ेंगे और कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे, लेकिन एक बात और, हर बॉस के लिए आप इन स्पेक्ट्रिस को समन नहीं कर सकते। वैसे आप किन किन बॉसेस के लिए स्पेक्ट्रिस को समन कर सकते हो इसका एक लिस्ट मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। क्राथ के इस डेविस्टेटेड शहर में टोटल आपको 13 लोकेशन मिलेंगे, लाइक क्राथ होटल, क्राथ सिटी हॉल एंड मेनी मोर, और इन्हीं जगहों में जा जाकर आपको इस गेम की कैंपेन को खत्म करना पड़ेगा। वैसे इस स्टोरी में आपको मेन मिशन के साथ साथ कुछ साइड मिशंस भी मिलेंगे, लाइक फाइंड माय बेबी, फाइंड माय पार्टनर, फाइंड माय चैनल एंड सब्सक्राइब। वैसे दोस्तों ये लाइज ऑफ पी गेम हालांकि ओपन वर्ल्ड तो नहीं है, लेकिन एक लीनियर स्ट्रक्चर में बेस्ड ये गेम को खत्म करते ही आपको न्यू गेम प्लस मोड मिलेगा, जहां आप वापस से चीजों को एक्सपीरियंस कर पाओगे, पर इस बार आपके पास आपका अर्न किया हुआ काफी सारे अपग्रेड्स रहेगा, जैसे कि वेपन्स, आर्गो करेंसी, कस्ट्यूम्स, एमुलेट्स, गेस्चर्स, डिफेंस पार्ट्स, लीजन आर्म्स, रिकॉर्ड्स, पी ऑर्गन अपग्रेड्स, प्लेयर लेवल एंड स्टार्स वगैरह वगैरह। अनरियल 4 इंजिन में बना लाइज ऑफ पी टाइटल एक बढ़िया डिटेल ग्राफिक्स को आपके लिए प्रस्तुत करता है। लाइटिंग इस गेम के लिए जितना जरूरी है उतनी ऑप्टिमम लाइटिंग आपको इस गेम में प्रोवाइड की गई है। भले ही आप इंडोर पे खेल लो, आउटडोर पे खेल लो, लाइटिंग आपको एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ दिख जाएगी। इवन खंडर जैसे शहर की एक्सटीरियर की अगर मैं बात करूं तो इट फील्स स्कैरी, इट फील्स स्पूकी। ऊपर से एनिमीज की डिजाइन भी बहुत ही वेल क्राफ्टेड है दोस्तों। जो भी गेम का एटमोस्फियर है, जो भी गेम की एक स्केरी वाइब है, उसके साथ एनिमीज की ये क्राफ्ट बहुत बढ़िया तरीके से जाता है। ऊपर से वेपन्स का इस्तेमाल करने पर जो स्प्लैश आपको इस गेम में दिखेगी वो बहुत ही शानदार और मैजिकल एलिमेंट क्रिएट करता है। ब्लड की स्प्लैश थोड़ा सा अगर ज्यादा होता तो मेरे हिसाब से ये गेम के साथ जचता, लेकिन कहीं ना कहीं ये गेम साउथ कोरिया में बनी है तो उस रीजन में बनी वीडियो गेम में ब्लड को ज्यादातर नहीं दिखाया जाता, और इस गेम में भी जो ब्लड आपको अमूमन तौर पर दिखने के लिए मिलेगी इट्स वेरी डल। वैसे आपको ब्लड देखना है या तो फिर नहीं देखना है, ये ऑप्शन से आप इसको ऑफ और ऑन कर सकते हो। वैसे कैरेक्टर फेसेस के ऊपर मैं अगर पॉलीकाउंट की बात करूं तो ठीक ठाक सा ही मुझे लगा, मतलब गेम के हिसाब से, और हेयर फिजिक्स की अगर बात करूं तो उससे भी मुझे कोई पर्टिकुलर शिकायत नहीं है। इनफैक्ट कैरेक्टर की शेडो जो भी आप ये गेम पे देख पा रहे हो ये एक बढ़िया ग्राफिक्स का मुजाहरा है। ऊपर से AMD फिडेलिटी FX और DLSS का सपोर्ट है इस पर्टिकुलर गेम में, जो कि आपको एक ऑप्टिमम ग्राफिक्स जरूर प्रोवाइड करता है। अनफॉर्चुनेटली रे ट्रेसिंग तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बट यू कांट टेक इट एज अ ड्रॉबैक। इन गेम म्यूजिक्स आर क्वाइट ब्लिस, जिसको कंपोज किया है मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया बेस्ड सोलस कंपोजर ने, और ये सोलस कंपोजर के आर्टिस्ट अपने म्यूजिक्स पे केल्टिक वाइकिंग थीम को यूज करता है, जो कि इस गेम की एटमॉस्फेयर के साथ एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जचता है, और इसी के चलते गेम की डार्क नेचर के साथ ये म्यूजिक बहुत ही फिट बैठता है। इवन कॉम्बैट के दौरान जो तलवारों की आवाजें आपको फील होगा वो काइंड ऑफ
आपको एक रियल कॉम्बैट की फील दिलाएगी, स्पेशली ड्यूरिंग द ब्लॉकिंग। वॉइस एक्टिंग भी ठीक ठाक है दोस्तों, हालांकि एनपीसी के साथ आपका ज्यादा कुछ इंटरेक्शन तो नहीं होगा, पर जितना भी होगा मुझे वॉइस एक्टिंग से कोई शिकायत नहीं है। क्रास शहर का ये अमेजिंग जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको 30 से 50 घंटे तक इस गेम को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और फॉर्चुनेटली ये टाइटल आपको एक्सबॉक्स, पीसी और प्लेस्टेशन में अवेलेबल मिल जाएगा। वैसे पीसी के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ये रहा आपके सामने। दोस्तों लाइज ऑफ पी गेम का सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस पर्टिकुलर गेम को आप बार बार खेल सकते हो। जी हाँ, इस गेम का रिप्लेबिलिटी आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिलेगा, क्योंकि गेम में आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ट्रूथ और लाइज सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो अगली बार कुछ अलग डिसीजन ले लिए तो क्या पता गेम में कुछ नया राज, कुछ नया सीक्रेट्स आपके लिए खुल जाए। तो ऐसे में गेम को आप एक जबरदस्त तरीके से एक नया एंगल से मतलब भाप सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। वैसे बहुत लोग लाइज ऑफ पी गेम को डार्क सॉल्स जैसे गेम के साथ तुलना कर रहे हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि गेम का जॉनरा ही है सॉल्स लाइक। तो सॉल्स लाइक होने की वजह से कहीं ना कहीं मेकानिज्म आपको एक ही टाइप का दिखेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि लाइज ऑफ पी में न्यू वेज के डेवलपर्स कुछ कुछ लेयर्स ऐड की है, जिससे कि ये पर्टिकुलर गेम को आप एज ए स्टैंड अलोन टाइटल तो जरूर एंजॉय करोगे। अब देखिए, ये ठहरा एक हैक एंड स्लैश गेम, वैसे ये सॉल्स लाइक जॉनरा की है। सॉल्स लाइक गेम्स बहुत सारे लोगों को हार्ड लग सकता है, बहुत सारे लोग बोर फील कर सकते हैं इस पर्टिकुलर गेम को खेलते हुए, उन्हें लगता है कि भाई मैं बहुत ही दफा मर रहा हूं। देखिए, मरना इस गेम में इट्स लाइक प्रीटी कॉमन थिंग, इट्स लाइक पीस ऑफ केक, आप हर बार मरोगे, ठीक है। तो ऐसे में गेम को आपको एज अ चैलेंज लेना है, और सॉल्स लाइक गेम अगर आप पार कर पाते हो तो दुनिया भर के तमाम सारे एक्शन एडवेंचर गेम को आप आराम से निपट लोगे, ठीक है। तो दोस्तों लाइज ऑफ पी गेम को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप इस गेम को खेलना चाहते हो या तो फिर खेलने वाले हो, क्या है आपका स्टेटस, डू राइट इट द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। लेडीज एंड जेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने और समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके तो इस ऑसम वीडियो रिव्यू को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मेरा नाम था सिद्धार्थ, एज ऑलवेज हैप्पी गेमिंग दोस्तों।